न्यू वीडियो। होपफुली आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खुदा का शुक्र है। और आज का वीडियो मैं बड़ा ही लेट स्टार्ट कर रही हूँ, तकरीबन 3 बज रहे हैं और अभी मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट किया है। बस सुबह से कुछ गेस्ट आए हुए थे, किसी काम में मसरूफ़ थी तो फिर मैं अपना वीडियो नहीं शुरू कर सकी, लेकिन बहरहाल चले मैंने स्टार्ट तो लिया। खैर कराची में सडनली इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई है कि पंखे चलाने की नौबत आ गई है और अब हमें डर लग रहा है आहिस्ता आहिस्ता कि पता नहीं कैसी सर्द गर्मी आएगी, क्योंकि पहले सर्दियाँ तो पहले सर्दी भी इस बार काफ़ी ज़्यादा पड़ी है कराची में और अब गर्मियाँ भी आ रही हैं। तो देखते हैं कि भाई गर्मियों में क्या हाल होता है, क्योंकि गर्मियाँ तो बहुत ज़्यादा बुरी हो जाती हैं। कराची में होती तो कम है दूसरी जगह की नस्बत, लेकिन कराची का मसला ये है कि यहाँ पे ह्यूमिड मौसम हो जाता है और जो ह्यूमिडिटी होती है वो आपको तकरीबन सफोकेट ही कर देती है और आपका सांस ही बंद कर देती है। बहरहाल इस वक्त मैं जाने लगी हूँ अपनी अम्मी की तरफ, क्योंकि उन्होंने मुझे बुलाया है, उन्हें कुछ काम था मुझसे तो उन्होंने मुझे बुलाया, मैं उनकी तरफ जाने लगी हूँ। तो मैंने कहा चलो आप लोगों को भी अपने साथ लेकर चलती हूँ, तो चलते हैं अम्मी की तरफ। जय जी, खाना खाने में मसरूफ़ है, तकरीबन 4 बजने वाले हैं और आज हमारा खाना भी लेट हो गया है। सो जी लेट्स गो टू अम्मी का घर। अपने घर से निकल के ये हम सीढ़ियाँ चढ़ गए और मैं पहुँच गई अपनी मामा के घर। तो जी बस मैं जाने लगी हूँ मामा के घर और ये फेरी वाले बहुत तंग करते हैं, जब व्लॉग बनाने लगो ये लेकर आ जाते हैं अपना ठेला और शुरू हो जाते हैं। जी मामा ने मुझसे बनवानी थी आलू की टिकिया और मैंने उन्हें कहा कि आप भी आ जाओ मेरे व्लॉग में, तो वो कह रही है नहीं जी मैं अभी नहीं आऊँगी, मैं बाद में आऊँगी। तो खैर अब मैं बनाने लगी हूँ मामा के लिए आलू की टिकियाँ उनके घर में और लाइट भी चली गई है, आपको पीछे अंधेरा नज़र आ रहा होगा बहुत ज़्यादा। तो मेरा इरादा तो यही था कि मैं आपके साथ शेयर करूँ अपने आलू की टिकियों की रेसिपी भी, लेकिन फ़िलहाल तो चली गई है लाइट। तो ये बच्चों ने जी ला के अपना टेंट नानों के घर पे रखा हुआ है और ये इधर आ जाते हैं और खेलते रहते हैं। तो चलो मैं बनाती हूँ आलू की टिक्की। चले जी ये आलू मामा ने बॉईल करके रखे हुए थे और अब लाइट चली गई इसलिए कुछ ज़्यादा अच्छी लाइटिंग आपको नज़र नहीं आ रही होगी, पर बहरहाल ये आलू उन्होंने बॉयल करके रखे हुए थे। अब मैं इसके अंदर इनको मैश करने लगी हूँ और इसमें मसाले वगैरह डाल के तो आलू के कटलेट्स बनाने लगी हूँ। जी ये टिक्कियाँ तो मैंने अंधेरे में ही बना दी हैं, शेयर इसलिए नहीं किया क्योंकि कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कुछ भी मैंने ऐसा एक्स्ट्रा नहीं किया जो आपको नहीं पता होगा, वही नमक मिर्ची। और ये वैसे भी मामा के लिए बनाई है क्योंकि मामा की हैं तो उनके लिए बनाई है, वो थोड़ा मिर्ची वगैरह मसाले वगैरह कम खाती हैं तो इसलिए ये उनके लिए बनाई है, क्योंकि वो हार्ट पेशेंट है तो ज़ाहिर है वो थोड़े मिर्ची मसाले वगैरह कम खाती हैं, तो ये उनके लिए बनाई है। तो ये मैंने बना दिया है, बस अब मैं फिर वापस अपने घर की तरफ जा रही हूँ और घर की तरफ जा रही मैं ऐसे बोल रही हूँ जैसे मैं ना वही कोई बहुत दूर दराज जाऊँगी। मैंने आलू का अपने लिए भी फ्राई कर लिया और मैं इसको लेके घर जा रही हूँ। चले जी मैं वापस अपने घर चल पड़ी हूँ, आप भी मेरे साथ चल पड़े, किसी गाड़ी रिक्शे पर बैठ के नहीं ऐसे ही पैदल पैदल चलो। और जी मेरे अंधेरे में बनाए हुए आलू के कबाब कैसे बने थोड़े से चख के देखती हूँ, फिर आप लोगों को बताती हूँ कि कैसा बना है। अच्छा बन गया, मैंने बिल्कुल जल्दी जल्दी से बनाए थे लेकिन बहुत अच्छे बन गए, मज़े के बन गए और उस टेस्ट के ही बने जैसे मेरी मामा को पसंद है, कम मिर्चों वाले कम मसालों वाले, तो ये बड़े मज़े के बने। चलो खाना खाते फिर मिलते हैं। हेलो व्हाट आर यू डूइंग। अच्छा चलो आप सीधा कर रहे हो थोड़ा सा, ये भी बेटा देखना वो देखो रैपर और प्लेट वगैरह भी यहाँ पे पड़ी हुई है, ये भी उठा लेना सीधा कर। तो बनाओ। अच्छा कपकेक चॉकलेट वाले। चलें जी बच्चों ये आज मेरे पीछे लगे हुए हैं कि कपकेक बनाओ, तो मैंने सोचा चलो कपकेक बना लेते, तो बस अभी मैं फिर कपकेक बनाने लगी हूँ तो इसकी रेसिपी आपके साथ भी शेयर करते। और मेरे पास ओवन नहीं है तो मैं कपकेक जो है वो माइक्रोवेव में बनाती हूँ, केक भी और कपकेक्स भी मैं माइक्रोवेव में ही बनाती हूँ। तो आज एक और काम करते हैं, आज अपने एयर फ्रायर में भी ट्राई करते हैं कि कपकेक बनता है उसमें सही या नहीं। तो कुछ तो बनाऊंगी माइक्रोवेव में और कुछ मैं ट्राई करूँगी क्योंकि एयर फ्रायर में मैंने कभी ट्राई नहीं किया, सो आज मैं ये भी ट्राई करके देखती हूँ कि कपकेक एयर फ्रायर में सही बनता है कि नहीं। तो चलो आ जाओ चलते हैं अपने 2 मिनट्स कपकेक की रेसिपी की तरफ और आपके साथ वो रेसिपी शेयर करते हैं। चीनी पिस गई है, अब क्या करना है? अब ये 1 कप चीनी है, इसमें आप मेजर करो 1 कप और फिर आप डालो उसके अंदर।
थोड़ा सा उधर हो जाओ, ये कप आप मेजर करो, ये वन कप है, ये देखो इसके ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि ये वन कप है, तो आप इसमें मेजर करो, तो इसमें डाल दो जी, इसको मेजर करो ना कि वन कप, कि वन कप है चीनी जी, मेजर करो, हाँ डाल दो, ओके इसको ऐसे शेक करके थोड़ा सा प्लेन कर लो, ये हो गई वन कप शुगर, और अब हम लेंगे वन कप मैदा, पकड़ो, ऑल पर्पस फ्लावर, ये भी वन कप ही लेंगे हम, थोड़ा शेक करो उसको ताकि वो, अच्छा अब 1/4 कप आपने लेना है कोको पाउडर, कोको पाउडर को लो, एक्चुअली 1/4 नहीं, 1/2 कप कोको पाउडर, ये देखें इसके ऊपर ये लिखा हुआ है ना 1/2 कप, ये 1/2 कप इस पे लिखा हुआ है, ये 1/2 कप आपने लेना जी, और ये इसको कहते हैं अनाड़ी लोग जो काम करते हैं कि रैपर खोल के खाने के अंदर डाल देते हैं, तो अगर आपको केक के अंदर से खाने की चीजें मिले तो इसका मतलब है कि किसी अनाड़ी ने बनाया, अनाड़ी का मतलब, अनायरा पूछिए अनाड़ी का मतलब क्या होता है, अनाड़ी का मतलब होता है जो अभी सीख रहा है, अभी उसको आता नहीं है, प्रोफेशनल नहीं है, अच्छा जी, अब ये हम मिक्स करने लगे हैं अलहदा बोल में सारे वेट इंग्रेडिएंट्स, इसके लिए हम लेंगे 2 एग्स, फिर इन एग्स को हम कर लेंगे बीट कर लेंगे इन एग्स को, अच्छा जी, तो केक बनाते हुए जो इम्पोर्टेंट चीज़ याद रखने वाली होती है ना वो ये होती है कि जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स होते हैं ना, जैसे फ्लावर हो गया आपकी, कोको पाउडर हो गया, नहीं कोको पाउडर नहीं, फ्लावर आपका, चीनी और ऑयल, इन तीनों की मिकदार जो है वो एक जितनी होती है, और फिर बाकी दूसरी चीज़ों की मिकदार जो है वो फ़र्क होती है, अगर आपने 1 कप फ्लावर लिया तो आप 1 कप ही चीनी लेंगे और 1 कप ही ऑयल लेंगे, तो अब हम फिर मेजर करने लगे हैं, हम ऑयल को एग्स में ही मिलाएंगे और फिर जो है इस वेट बैटर को और ड्राई बैटर को मिक्स कर देंगे, ये मुझे करने दो, फिर आप ये हम 1 कप ऑयल इसमें मिक्स कर देंगे, फिर 1 पिंच सॉल्ट भी इसमें डालेंगे, वो मैं पहले डालना भूल गई थी, इसलिए 1 पिंच सॉल्ट भी हम इसमें डाल देंगे, चलिए नीरा नायरा मिक्स करें ज़रा आप उसको अच्छी तरीके से, अच्छा अब इसमें हम थोड़ा सा दूध मिला के और इसको फिर मिक्स करेंगे ताकि बैटर ड्राई सा ना हो, रनी सा ही हो, अच्छा अब हमने अपने जो कपकेक के मोल्ड हैं उनको ऑयल लगा लेना है सारा, ताकि आपका कपकेक जो है वो आराम से निकल सके,
ये बन गए हैं हमारे कपकेक्स। अब हमने जी कैसा बना? अम्मा बहुत अच्छा बना। बहुत अच्छा बना जी, कैसा? बहुत अच्छा। होपफुली आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, और अगर लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, और इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी, और ज़रूर ट्राई करें क्योंकि मुझे तो ये कपकेक बहुत अच्छे लगे। तो फिर आज के लिए इतना ही, बाय।